What does the graph say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर दे। ये आज का पिक्चर है, यानी 20 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,382 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,245। तो जैसे कि आप देख पा रहे, काफ़ी गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर और सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन की खबरें आ रही है और ग्लोबल क्यूज भी थोड़े से मिक्स है तो सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर। और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो काफ़ी टाइम ये ऊपर की तरफ आते वक्त ये ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और 1 बजे के बाद ये एक ज़बरदस्त फॉल यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,224 अचीव हुआ और यहाँ से ही ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके एक छोटा सा बाउंस बैक इसने दिखाया। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 14 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था आज के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। अभी कल छुट्टी है, यानी थर्सडे एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के दिन क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलते 60 मिनट के चार्ट में। ये निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स देख सकते हैं आप, ये जो एग्जैक्ट सपोर्ट का जोन बन रहा है यहाँ पर, ये एक बार, ये दूसरी बार, अभी ये तीसरी बार यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया, लेकिन कम्प्लीटली बाउंस बैक अपसाइड ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो सपोर्ट है अभी, ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर जो बन रहा है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो ज़बरदस्त निफ्टी में यहाँ पर फॉल आते हुए दिखाई दे सकता है। 14,225 अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं थर्सडे के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,204। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,180। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड्स अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दिन पहले काफ़ी देर, करीब 2 घंटे यहाँ पर, 2-3 घंटे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के आसपास। तो ये जो लेवल बन रहा है यहाँ पर अराउंड 14,327, इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,351। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,385। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, जैसे ही फिर से एक बार ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल को क्रॉस करता है तभी एंट्री पोजीशन बनाए, तभी फायदेमंद साबित होगा। अभी कल छुट्टी है, क्या न्यूज़ आते हैं, ग्लोबल न्यूज़ क्या आते हैं, इंडिया में क्या लॉकडाउन और ज़बरदस्त कड़ा हो सकता है, तो ये कल क्या होगा उसके फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर हमें थर्सडे की मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है। तो जैसे फिर से एक बार दोबारा कोशिश करें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल की क्रॉस करने, तभी पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये निफ्टी के लिए है इंट्राडे लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा है, लगभग ये बुलिश हरामी जैसा पैटर्न बन रहा है। तो ये जो लेवल बन रहा है अभी, ये रेड कैंडल के लो के नीचे, यानी आज के लो के नीचे 30,873 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 30,783। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 30,668। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो जो कल हमारा ये ब्रेकआउट लेवल बन रहा था सेम होगा, क्योंकि 20 EMA के आसपास हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, तो कम्प्लीटली इसको ब्रेक करने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 31,520। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 31,635। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स थर्सडे के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।